Assalamu alaikum. We have already covered the short answers of chapter number 1. Now we'll complete detailed answers of chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. We have 5 questions. The first question is, what do you mean by chemical species? Explain ion, molecular ion, and free radical. And again, we have to first define chemical species, and then we have to explain what ion, molecular ion, and free radicals are. Type of species we have to explain also. Chemical species is a chemical entity such as a particular atom, ion, or a molecule. Chemical species जो असल में एक chemical entity होती है, एक चीज होती है chemical की, जो एक atom भी हो सकता है, ion भी हो सकता है और एक molecule भी हो सकता है. Ion, ion is an atom or group of atoms having a charge on it. Charge may be positive or negative. Ion या तो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. द टू टाइप ऑफ आयंस नेमली कैटायंस. कैटायंस अ फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायंस होते हैं. उसका मतलब ये है कि कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं. एनायंस. एनायंस अ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम. जब कोई एटम अपने अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो एनायन बन जाता है, यानी उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है. आफ्टर दैट वी हैव मॉलिक्यूलर आयन. व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर आयन. जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है दे बिकम मॉलिक्यूलर आयन्स. अगेन चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. इफ अ मॉलिक्यूलर आयन हैज अ नेगेटिव चार्ज इट इज नोन एज एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. यानी अगर एक मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा गया है, यानी कि उसने अपने अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट किया है, सो इट बिकम्स एन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. इफ अ मॉलिक्यूलर आयन हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट्स नोन एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपना एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन गिव कर दिया है, उसको किसी और को दे दिया है, वो कोई और एटम हो चुका, वो लूज कर चुका अपना इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन्स एन पॉजिटिव चार्ज. और वो भी मॉलिक्यूलर आयन जिसके पॉजिटिव चार्ज होता है, इट बिकम्स कैटायनिक आयन, मॉलिक्यूलर आयन. नेक्स्ट वी हैव फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फ्री रेडिकल वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स के पास पेयरिंग ना हो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी अगर लेट्स सपोज किसी पास ऑड नंबर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ऐसे एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को फ्री रेडिकल्स कहते हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल होता है और वो रिएक्शन के लिए तैयार होता है, इसलिए दे आर वेरी रिएक्टिव. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट के ऊपर जिसका सिंबल होता है, लेट्स सपोज सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑड नंबर हो गया वो, तो यानी उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो उसमें क्या होगा कि हम लोग Na के ऊपर एक डॉट लगा देंगे शो करने के लिए कि इट्स फ्री रेडिकल. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चन इज, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ. यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग क्या कहाँ कहाँ पर केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं वो बताना है. रोजमर्रा यानी डेली लाइफ के बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो है केमिस्ट्री की वजह से हमें एटॉमिक बॉम्ब मिला है, वो हमारे डेली लाइफ में काम नहीं आता, बहुत जिंदगी कई सालों में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है. ओके, तो डेली लाइफ का मतलब जब रोज जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है केमिस्ट्री की वजह से हमें मिली हैं उनके बारे में बताना है. द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज एन अनअवॉइडेबल फैक्ट. यानी कि हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री जो रोल प्ले करता है, जो हमें फ़ायदा देता है, उससे हम बच नहीं सकते, वो एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है, यानी कि उसका कोई शक नहीं है उसमें. नंबर 1, कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री. जब हम तामीरात करते हैं, जो तामीर करते हैं चीज़ें लाइक सीमेंट वगैरह जो है वो केमिस्ट्री की वजह से हमें मिली है. क्लीनिंग करने के लिए जो है, यानी कि लेट्स सपोज अगर आप कपड़े साफ कर रहे हैं या फिर अगर आप टेबल ही साफ कर रहे हैं तो उसके लिए जो ग्लास क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप अपने जख्म साफ कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप केमिकल यूज करते हैं. सो वॉशिंग ऑफ आवर होम्स यानी कि धोने के लिए, चाहे कपड़े धोने के लिए हो, चाहे वो पोछे के लिए हो, या सहन धोने के लिए हो, जो भी चीज़ आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री की वजह से हमें मिला है. नंबर 2, द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सेरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं
ग्लासेस जो बनते हैं, प्लास्टिक से जो फाइबर जो बनता है, पॉलीमर्स, सेरामिक्स, मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल से जो सामान बनते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह, तमाम चीज़ें हमें केमिस्ट्री ही देता है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर। यानी गंदा पानी पीने की ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि वी नो दैट क्लोरीन कैन किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये हमें केमिस्ट्री ने बताया कि क्लोरीन जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, यानी बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकता है और पानी को साफ कर सकता है। तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने गंदा पानी को साफ किया ताकि उसमें से जो बीमारी हमें हो सकती थी वो हमें ना हो। नंबर फोर, द क्लोरीन इज यूज कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स विच आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। क्लोरीन जो है सिर्फ पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक लेट्स सपोज गन पाउडर हो जाता है, हमारे पास गन पाउडर यानी जो बुलेट्स वगैरह होते हैं वो भी हमें क्लोरीन के ऐसे मिलते हैं। एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं यानी पटाखे वगैरह जो होते हैं या सब चीज़ें भी हमें क्लोरीन से मिलती हैं। हमें मेडिसिन जो हैं ऑल क्योर मेडिसिन जो हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो है तकरीबन सारे मेडिसिन के अंदर आपको क्लोरीन का इस्तेमाल नज़र आएगा। ठीक है, तो यानी क्लोरीन सिर्फ पानी साफ करने के लिए नहीं, बहुत सारी जगह में मोर देन 1000 काइंड कंपाउंड्स को तैयार करता है जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन करना है हमें। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Compound के अंदर जितने भी atoms हैं उनके बीच में जो ratio होता है उसको simplify करके जो हमें formula देता है that is empirical formula. Empirical formula shows the simplest ratio of each atom present in the molecule. वो simplest ratio निकाल के देता है हमें। Empirical formula does not show the actual number of atoms in the molecule. वो actual number show नहीं करता। वो जो भी numbers पहले से मौजूद होते हैं, number of atoms मौजूद होते हैं उसको ratio बनता है, उसको simplify करते हैं हम लोग, तो वो जो रेशियो होता है वो दिखाता है, सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है, एक्चुअल रेशियो नहीं दिखाता। एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एम्पिरिकल फार्मूला से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अ मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर शो करता है, जैसे वो बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है और ये भी बताता है कि वो एलिमेंट कितने मिकदार में मौजूद है। मैथमेटिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला टाइम्स एन। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला का कोई मल्टीपल होता है, दैट कैन बी 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। नंबर वन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम। जो फॉर्मूला मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यूज़ करते हैं। हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ करते हैं टू फाइंड द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और द मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कभी कभी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं एंड मोस्टली डिफरेंट भी होते हैं। यानी दैट्स नो। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें समझाना है। बैलेंस इक्वेशन की स्टेप्स फॉलोइंग है। राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला जो भी है, करेक्ट केमिकल फार्मूला हमें लेफ्ट साइड पर लिखना है रिएक्टेंट्स के, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर लिखना है। अगर केमिकल फार्मूला हम लोग गलत लिख रहे हैं, लाइक अगर आपने सब्सक्रिप्ट 2 है और आपने 3 दे दिए या सब्सक्रिप्ट खा गए आप, कुछ भी नहीं दिया आपने, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन में मसला आ जाता है। केमिकल या तो कभी कभी इक्वेशन बैलेंस होता ही नहीं है जब कोई एक मिस्टेक आ जाती है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं एंड प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड पर लिखते हैं ऑफ द एरो, और बीच में दोनों को सेपरेट करते हैं यूजिंग एन एरो। नंबर टू, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। तो उसके बाद जो एटम्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आइटम्स हैं, एंड देन वी हैव टू ट्राई टू बैलेंस इट। जो भी हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग करते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स में अपीयर मोर और लेस देन द अदर साइड, बैलेंस इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। यानी कि अगर एक तरफ में, किसी भी एक तरफ में नंबर ऑफ एटम्स कम या ज़्यादा हैं तो इंस्पेक्शन मेथड से हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट विद फार्मूला टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन।
यानी कि जो जो भी कोफिशियंट है 1 2 3 जो भी फॉर्मूले का फॉर्मूला लेफ्ट में लिखा हुआ होता है नंबर, दैट्स द कोफिशियंट, उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो जाए. द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इस चीज का ख्याल रखना है दैट द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जब भी हम लोग किसी इक्वेशन में लिखते हैं दे आर रिटन एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने आपको पहले ही बताया है, द वर्ड डाय मींस टू एंड एटॉमिक मींस एटम. ठीक है, तो उसमें यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो टाइप दो एटम्स हो. तो यानी कि अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट H2O2 एंड 2Cl2. ओके, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा दे एग्जिस्ट एज डायटॉमिक. जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट H2O2 एंड 2Cl2 लिखा हुआ हो. You must write them as diatomic molecules rather than isolated atoms in chemical equations. Chemical equations में हम लोग इन लोगों को इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग diatomic molecules के फॉर्म में लिखते हैं, अलग से सिर्फ H या सिर्फ O या सिर्फ N या सिर्फ Cl नहीं लिखते हैं. ओके, diatomic molecules के फॉर्म में लिखते हैं. And then the last step, finally check the equation to be sure that the number and kind of atom are same on the reactor and product side. जब पूरे के पूरे नंबर सेम हो जाए उसके बाद एक दफा आप वेरीफाई कर लें जो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स मौजूद हैं वही सेम एटम्स राइट हैंड साइड में मौजूद है, कोई एक्स्ट्रा या कोई कम नहीं है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए. अगर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और काइंड ऑफ एटम भी सेम है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है. सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन. The last question of detailed questions, name the branches of chemistry and discuss any 5 branches. Branches of chemistry jitne bhi hain sabke names dene hain, but you have to write definition of any 5. Okay, yani names aapko sare dene hain. Previously jo aap logon ka previous jo book tha uske andar sirf 9 the, lekin is book ke andar increase ho gaye hain, to names aapko sare likhne hain. Theek hai, baaki aap koi bhi 5 definitions aap uske under likhenge. Although maine sare definitions likhe hain, पर आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपको इसमें 5 डेफिनेशंस के नेम्स डेफिनेशंस लिखेंगे आप. केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस. नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस. यानी केमिकल रिएक्शंस किस अंदाज से होते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स. यानी जो हाइड्रोजन एंड कार्बन्स को स्टडी करते हैं और दोनों कंबाइन होकर कौन कौन से केमिकल्स कंपाउंड बनाते हैं उनको स्टडी करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोजन और कार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के को जो स्टडी करते हैं, दैट इज बींग स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the compounds of living organisms. जानदार चीज़ों में जो भी केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल प्रोसेसेस इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं, कौन सी केमिकल का इस्तेमाल होता है, कौन से केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, उस सारी चीज़ों को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. Nuclear chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of the changes occurring in the nucleus of an atom. Atom ke nucleus ke andar proton and neutron ke andar kya changes aa rahe hain, us changes ki wajah se kya effect aa raha hai atom mein, wo hum nuclear chemistry mein study karte hain. Environmental chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plant. जो केमिकली मटेरियल्स होते हैं लाइक एटम्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इनका क्या असर होता है हमारे एनवायरनमेंट पे, लाइक अगर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट आएगा, या कम हो जाएगी अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा हवा में तो क्या इफेक्ट आएगा हम पे. इस तमाम इफेक्ट्स को हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कवर करते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स इन अ केमिकल. केमिकल के अंदर जो क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी होती है उसको एनालिटिक केमिस्ट्री कवर करते हैं. क्वालिटेटिव मतलब कोई केमिकल किस कौन कौन से एटम से बना हुआ है, क्वालिटेटिव हो जाता है. क्वांटिटेटिव मतलब वो एटम कितने मिकदार में कितने अमाउंट में मौजूद है, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में कवर करते हैं. नंबर 9 मेडिसिनल केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज, यानी कि बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज के लिए जो पर्पस के लिए हम मेडिसिन बनाते हैं, फार्माकोलॉजी के लिए जो मेडिसिन बनाते हैं, तो वो कौन से हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, वो एलिमेंट्स कितने मिकदार में यूज़ करेंगे, कौन से प्रोसेस से वो बनेंगे, तो तमाम चीज़ें हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में कवर करते हैं. क्वांटम केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम, यानी बेसिकली इसके अंदर हम लोग फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, यानी फिजिक्स के जो मॉडल्स होते हैं वो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं कि वो हमारे किस तरह से मदद आ सकता है. ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स के अंदर इसका नाम मॉलिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स है. एंड देन लास्ट 11 इज ग्रीन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैजर्डस सब्सटेंस, यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग वो चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे एटमोसफेयर को, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए या कम पहुँचाए. लाइक लेट्स सपोज हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पहले जो है एयर कंडीशनर से जो है CFCs निकला करता था, एक गैस है CFCs जिसकी वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है वो पतला हो जाया करता था और गायब हो जाया करता था. तो उसकी वजह से भी क्या होता था कि काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलने लगी. तो उसको अब वो जो है बैन हो चुका है. अब ऐसे जो एयर कंडीशनर जो बनते हैं आजकल CFCs रिलीज नहीं करते, तो यानी कि वो तरीका फाइंड कर सोल्यूशन फाइंड करना ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम कंजर्व कर सकें, वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस को या डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स को हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. सो आप लोगों के चैप्टर 1 का डिटेल्ड आंसर्स भी कम्प्लीट हो चुका है. राइट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स नीटली ऑन योर केमिस्ट्री कॉपी. मेक श्योर टू यूज ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड ब्लू मार्कर, एंड प्लीज मेक श्योर योर राइटिंग इज नीट. ओके, एंड फिल अप योर इंडेक्स. अल्लाह हाफिज़.